नेटवर्क एनालिसिस, आपको पिछले दो क्लास में हमने बताया कि नेटवर्क एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। प्रोजेक्ट चाहे मेजर हो या माइनर हो, हर एक प्रोजेक्ट को एक निश्चित समय और एक निश्चित कॉस्ट में हमें ख़त्म करना है। नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द प्रोजेक्ट नेटवर्क। द टेक्निक्स आर वेरी यूजफुल फॉर प्लानिंग, शेड्यूलिंग, एग्जीक्यूटिंग लार्ज टाइम ऑफ। जब भी कोई लार्ज प्रोजेक्ट होता है उसमें ये टेक्निक्स हमारे बहुत ही उपयोग के होते हैं। सो हम कह सकते हैं नेटवर्क एनालिसिस इज वेरी हेल्पफुल इन प्लानिंग। आपने देखा कि प्रोजेक्ट में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, तो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़ ये हम नेटवर्क एनालिसिस में करते हैं। हमेशा हम लोग कॉस्ट कंट्रोल भी कर सकते, मिनिमाइजेशन ऑफ टाइम भी कर सकते कि जल्दी जल्दी हो, रिडक्शन ऑफ टाइम, कंट्रोल ऑन आइडल रिसोर्सेज, जो बेकार रिसोर्सेज हैं जिसके कारण आपका पैसा लग रहा है, कॉस्ट इन्वॉल्व है, उसमें हमारा नेटवर्क एनालिसिस बहुत ही मदद करता है। अवॉइडिंग डिलेज एंड इंटरप्शन, जो भी रुकावट आती है रुकावट आने के पहले वो ख़त्म होते हैं। सो नेटवर्क एनालिसिस का एप्लीकेशन हम ऐसे जगहों पर कर सकते हैं, प्लानिंग है, मॉनिटरिंग है, शेड्यूलिंग है, लार्ज कम्प्लेक्स। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया गया? लार्ज फैक्ट्रीज में, हाईवेज में, बिल्डिंग्स में, ब्रिज में, सिनेमा में, इसके अलावा भी अनेक जगह पर है। सबसे पहले आर्मी में यह चीज़ मिसाइल डेवलपमेंट के समय किया गया था, असेंबली लाइन शेड्यूलिंग में किया गया था, इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड हाईटेक मशीनरीज में किया गया था, टू मेक द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि नेटवर्क एनालिसिस से आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में भी मदद मिलता है। इसमें क्या क्या मेथडोलॉजीज है? सबसे पहला काम कि आप जो भी प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं उसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब कीजिए, उसमें करना क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसमें कौन कौन से काम होंगे। नेक्स्ट है डायग्राम ऑफ द नेटवर्क। जैसे ही आप ऑल द एक्टिविटीज़ एंड माइलस्टोन्स को आइडेंटिफाई करते तो उसके आधार पर आपको पता चलता है कि कौन सा एक्टिविटी पहले होना चाहिए, कौन सा बाद में होना चाहिए, अकॉर्डिंगली उसका हम नेटवर्क डायग्राम तय करते हैं। नेक्स्ट काम आता है एस्टिमेट द टाइम ऑफ कम्प्लीशन। कोई भी काम होना है तो उसमें तो समय लगेगा ही, कितना समय लग सकता है कम से कम, ये हमको एस्टिमेट करना है। नो डाउट वो आपका एस्टिमेशन से कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है। यहाँ आप देखोगे कि कोई भी प्रोजेक्ट्स हमारा दो तरह का आएगा, डिटर्मिनिस्टिक एज वेल एज प्रोबेबिलिस्टिक, है ना। तो जो भी आप टाइम का एस्टिमेशंस करेंगे डिटर्मिनिस्टिक भी हो सकता है, प्रोबेबिलिस्टिक भी हो सकता, और फाइनली आपको मॉनिटर करना है कि आपने जो एस्टिमेट किया था इतना समय में हमें ये काम करना है वह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसे ही आपको मॉनिटर करना है। और यही तो ऐसे मैनेजर का काम है। जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो पहले अपना एक डायग्राम बनाता और डेली मॉनिटर करता है कि आज हमें यहाँ तक पूरा होना चाहिए था, हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर उसके बारे में विचार करेगा कि वो कैसे हो। थैंक यू।